मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊंगा। बनती है उत्तर भारत पर फिल्में, क्यों जनता को पसंद आएगी ये फिल्म? औरत चाहे चंबल की हो या फिर पूर्वांचल की, जब गन उठाती है तो इसका मतलब ये दिक्कत में है। बॉलीवुड की दबंग सीरीज में से एक मिर्जापुर का ये डायलॉग तो हर किसी को याद ही होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे उत्तर भारत पर बॉलीवुड में कई फिल्में और वेब सीरीज बनी हैं। इसमें हमारे सल्लू भाई की फिल्म भी पीछे नहीं रही। साल 2003 की फिल्म तेरे नाम की कहानी भी यूपी के आगरा और मथुरा साइड की है, जिसमें भाईजान सलमान खान हमें एक राउडी लड़के के किरदार में नजर आए थे। बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में उत्तर भारत की गुंडागर्दी दिखाई गई है। वी टाउन को भाईजान सलमान खान आजकल अपनी फिल्म टैग 3 के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं उनकी आइकॉनिक फिल्म तेरे नाम के सीक्वल की भी चर्चा जोरों शोरों पर है और मेकर्स ने फिल्म पर अभी तक ज्यादा बात नहीं की है। पर जनाब बॉलीवुड की खबरों को फैलाने में देरी कहाँ लगती है। जी हाँ, तो आज हम आपको बताते हैं कि फिल्म से जुड़ी एक चटपटी खबर, क्योंकि दोस्तों साल 2003 की फिल्म में राधे भैया एक कॉलेज गोइंग राउडी लड़के के किरदार में नजर आए थे, जो गलत चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और सबकी धुलाई करने लगता है। फिल्म यूपी के आगरा और मथुरा की कहानी पर बनी थी। अब एक बार फिर फिल्म में उत्तर भारत की दबंग कहानी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सोर्सेज की माने तो फिल्म की कहानी उत्तर भारत के एक गैंगस्टर पर बेस्ड होगी और ये फिल्म एक ट्रू लव स्टोरी फिल्म होने वाली है। और फिल्म में भाईजान की प्रेमिका के लिए उनकी खास दोस्त और अब मिसेस कौशल बन चुकी कैटरीना कैफ का नाम सबसे आगे चल रहा है। और इसके साथ ही फिल्म में दो एक्ट्रेसेस का शामिल होने की खबरें भी आई हैं। जब भी किसी बॉलीवुड फिल्म में दबंग या गुंडाराज जैसी कहानियां आती हैं तो सबसे पहले नाम उत्तर भारत का आता है। शोले के गब्बर से लेकर मिर्जापुर के दबंगों तक सबका कनेक्शन उत्तर भारत से जरूर रहा है। इन फिल्मों की शूटिंग भले ही उत्तर भारत में ना की गई हो, पर फिल्म में उन्हें इसी साइड का दिखाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा उत्तर भारत में क्या रखा है, तो बता दें कि शोले के गब्बर से लेकर मिर्जापुर के दबंगों तक सबका कनेक्शन उत्तर भारत से जरूर रहा है। इन फिल्मों की शूटिंग भले ही उत्तर प्रदेश में ना की गई हो, पर फिल्म में उन्हें इसी साइड का दिखाया जाता है। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भला ऐसा क्या है उत्तर भारत में जिस पर बॉलीवुड की ज्यादातर गैंगस्टर बेस्ड फिल्में बनी हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर भारत अपनी खूबसूरती के साथ ही अपने दबंग अंदाज के लिए जाना जाता है। चंबल की घाटियों में आज भी कई नकास वर्ल्डी छिपे हुए हैं। बस जैसे जैसे फिल्मों के दौर बदलते गए, डाकुओं की जगह गुंडे बदमाशों ने ले ली। वहीं NCRB के रिसर्च से ये बात सामने आई थी कि भारत में सबसे ज्यादा क्राइम करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है और हमारे बॉलीवुड की कहानियों में उत्तर भारत को बड़े ही दिलचस्प तरीके से पेश किया जाता है। इन फिल्मों में गुंडे के साथ साथ पुलिस वालों की दबंगाई भी शामिल है और शोले में गब्बर को रामगढ़ का डाकू दिखाया गया है, तो वहीं गैंग्स ऑफ वसेपुर में झारखंड के कोयला माफी की कहानी दिखाई गई है। दूसरी ओर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्म दबंग भी यूपी में एक दबंग पुलिस वाले की कहानी को बताती है और इस लिस्ट में हमारे मिर्जापुर के गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया की गुंडाई भाला पिक्चर भी काफी अच्छा लग रहा है। और इन फिल्मों को ट्रैक रिकॉर्ड भले ही कैसा भी रहे हो, दर्शकों ने इन फिल्मों को खूब पसंद किया है। अब तेरे नाम के सीक्वल पर मेकर्स जल्द से जल्द ही काम शुरू करना चाहते हैं, जहां मेकर्स फिल्म की तैयारी में हैं। वहीं दूसरी ओर एक और सवाल सबके मन में आ रहा है कि वो ये है कि जनता फिल्म को प्रीक्वल जितना प्यार दे पाएगी या नहीं। अब अगर बात करें इसके पीछे की रीजन की जिससे ऑडियंस इस फिल्म को पसंद कर सकती है, तो उसमें सबसे पहले भाईजान का खुद का नाम आता है। किसी फिल्म में सलमान का नाम ही फिल्म का बज़ बढ़ा देता है और दूसरी ओर फिल्म की पॉपुलैरिटी भी।
दोस्तों ये फिल्म अपने साल में कितनी पॉपुलर रही है कि तभी से लोग इसके सीक्वल की डिमांड करने लगे थे। फिर फिल्म की कहानी भी एक गैंगस्टर बेस्ड होने वाली है और सलमान का ये अवतार तो उनके फैंस को ज़रूर ही पसंद आएगा। और दूसरी तरफ फिल्म में कटरीना को तीखे अंदाज का तड़का भी भरपूर लगेगा। तो कुल मिलाकर ये फिल्म एक हाई बस फिल्म तो होने ही वाली है। तो कैसा होगा फिल्म पर फैंस का रिएक्शन, ये आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हम दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए हमारे साथ।